नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिव्येश गुहोर में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको बताया गया था कि कृषि विभाग द्वारा विकलांग कोटा में डायरेक्ट भर्ती इंटरव्यू के माध्यम से की जा रही है। टोटल 553 पदों पर भर्ती है निकली है, तो उसके जो है वो इंटरव्यू कब होगा, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, उसके जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो उसकी जानकारी आप कहां से मिल सकती है आपको, क्योंकि आपके पास ना तो अगर आपने आवेदन किया तो आपके पास ना तो मेल आ रहा है, ना फिर टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, ना कहीं से जानकारी मिल पा रही है। ठीक है, आप दो माध्यम से इसकी जानकारी आपको पता कर सकते हैं। ठीक है, खुद से आप दो तरीके हैं ऐसे जो आप इसकी जानकारी को पता कर सकते हैं। कौन से दो माध्यम है, चलिए वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल सब्सक्राइब करने का आपको एक भी रुपया नहीं देना है। जो भी हम वीडियो डालते हैं उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके, उसका लाभ आप उठा सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम चलते हैं कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए आपको सबसे पहले सर्च करना है www.mpkrasi.gov.in। ठीक है, www.mpkrasi.gov.in पर जैसे क्लिक करेंगे एंड यहां पर हम पहली वेबसाइट पर क्लिक कर देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहां पर आपको जो है वो यहां पर सेकेंड नंबर के ऑप्शन पर देख सकते हैं कृषि विस्तार अधिकारी एवं सहायक ग्रेड 3 सर्व के निशक्त जनों दिव्यांग जनों के पद पूर्ति हेतु विज्ञापन। ठीक है, इसमें कुछ दोस्तों जो है वो चेंजेस किए गए हैं। इसकी पदों की जो संख्या है, जो रिक्त संख्या है, उसे बढ़ाया गया है। तो चलिए हम वो देख लेते हैं क्या कुछ इसमें चेंजेस किया गया है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पुराना नोटिफिकेशन जो कि आप देख सकते हैं, टोटल इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये हमारा पुराना नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इसमें टोटल पद यहाँ पर आपको 313 दे रहे थे, राष्ट्र तारीख 3/10/2024 दे रहे थे, आवेदन फॉर्म भरने की जो कि निकल चुकी है। ठीक है, अब इसकी जो श्रेणी है, ठीक है, कृषि विस्तार अधिकारी के भर्ती के पदों की संख्या, सहायक ग्रेड 3 के भर्ती के पदों की संख्या, इसमें कुछ चेंजेस किया गया है। तो हम नया नोटिफिकेशन देख सकते हैं, तो इसमें आपको कृषि विस्तार अधिकारी के पदों की संख्या 284 दिख रही होगी, और नए वाले में आपको पुराने वाले में 313 और नए वाले में 284 है। इन सहायक ग्रेड 3 के यहाँ पर 40 दिख रहे हैं और यहाँ पर 31 है, मतलब यहाँ पर पदों की जो संख्या है वो कम कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी ये नहीं बताया गया कि इसमें जो है वो आपका इंटरव्यू कब होगा। ठीक है, आप इसकी, ठीक है, अब इसकी आप तीन, पहली बात तो है कि आप मध्य प्रदेश के कृषि विभाग, कृषि कल्याण तथा कृषि विभाग के माध्यम से आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो महत्वपूर्ण गतिविधियां दिख रही है इसके ऊपर ही आपको यहाँ पर इसके इंटरव्यू की डेट वो करेगी। अगर यहाँ पर नहीं करता है तो आप कृषि विभाग जाकर, अपने जिले के कृषि विभाग में जाकर वहां पर पता कर सकते हैं कि हमने इसका एक आवेदन, उसकी आपने प्रिंट आउट जरूर निकाल कर रखा होगा। ठीक है, कि हमने इसका एक आवेदन किया था, इसका आवेदन हमने किया है तो उसकी जो है वो इंटरव्यू की डेट कब होगी, तो वहां से उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि इसके इंटरव्यू की डेट कब है, क्योंकि इसकी लास्ट तारीख जो है वो 3/10/2024 थी। वैसे तो इसकी 30/9 थी, पर इसके 3/10 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते थे, फॉर्म को एडिटिंग कर सकते। तो दो प्रकार से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। पहली तो आप यहां पर इस वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा, दूसरी आप किसान कल्याण कृषि विभाग जिले के में जाकर आप वहां से पता कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर देंगे कि इसके इंटरव्यू की डेट कब है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।